लास्ट टाइम हमने बात की थी अपने सिलेबस के सेक्शन बी पर, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि सेक्शन बी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्शन बी में हमारे पास एक टॉपिक है इक्विटी फाइनेंसिंग का, सेक्शन बी में एक टॉपिक है हमारे पास डेट फाइनेंसिंग का, सर, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है जिसको कुछ आवाज़ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि सेक्शन बी में हमारे पास एक एरिया है इक्विटी फाइनेंसिंग का, दूसरा एरिया हमारे पास है डेट फाइनेंसिंग का, तीसरा एरिया कल हमने डिस्कस किया था लीजिंग का एरिया है, उसके बाद एक एरिया है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का, और नेक्स्ट एरिया है हमारे पास ट्रेजरी मैनेजमेंट का, जिसके अंदर आप रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे। ये आपका सेक्शन बी है और इट इज़ वर्थ 45% ऑफ योर सिलेबस, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आने हैं उसमें जो भी वेटेज एग्जामिनर को रखनी है, तो एक रफली एक अप्रॉक्सीमेट एग्जामिनर 45% ऑफ द सिलेबस के हिसाब से यहाँ से पूछेगा। तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग से भी पूछ सकता है, डेट से भी पूछ सकता है, लीजिंग से भी पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी पूछ सकता है और रिस्क मैनेजमेंट से भी पूछ सकता है। हम स्टार्ट ले रहे हैं जो हमारा पहला सर, टॉपिक इसके है। नोट्स हम नोट्स बनाते जाएं हम या आप रिकॉर्डिंग देंगे इसकी? नहीं, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स सारे आपको एट द एंड मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको कोई नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाएं मैं आपको क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट डिस्कशन दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और ये बात करते हैं कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आपको पता होगा पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो अगर एक कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया है तो ऑब्वियसली उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे होंगे और उसके शेयर होल्डिंग क्रिएट हो चुकी होगी, उसके शेयर्स शेयर होल्डर्स होंगे और डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर बायर्स शेयर्स खरीद रहे होंगे और सेलर्स जो हैं वो शेयर्स बेच रहे होंगे और एक शेयर प्राइस एग्जिस्ट कर रही होगी डे एंड के ऊपर और उस पर ट्रेडिंग हो रही होगी और प्राइस कभी ऊपर चली जाती होगी, प्राइस कभी नीचे चली जाती होगी। आपको स्टॉक मार्केट के मैकेनिज्म का आइडिया होगा कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, ठीक है जी। तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अब उस पब्लिक कंपनी को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास एक ऑप्शन ये मौजूद है कि वो फर्दर न्यू शेयर्स इशू करते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, और दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि वो मार्केट से डेट फाइनेंसिंग रेस कर लें या लोन ले लें या डेट ले लें या डेट फाइनेंसिंग ले लें, बॉन्ड्स इशू कर दें, डिबेंचर्स इशू कर दें, कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर दें। तो ये हमारे पास प्राइमरी दो सोर्सेज हैं फाइनेंस रेस करने के, ये सिर्फ यही दो सोर्स नहीं होते लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जब भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो दे आइदर ऑप्ट फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग और दे ऑप्ट फॉर डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, इसके बीच में कहीं एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है विच इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में जाएंगे या डेट में जाएंगे ना, ये अकाउंटिंग का एजेंडा होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो जब हम मैं इक्विटी की बात करूंगा तो आई मीन टू से ऑर्डिनरी शेयर्स रादर देन प्रेफरेंस शेयर्स। तो या तो कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके पैसा लेगी मार्केट से, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, या डेट फाइनेंसिंग रेस करेगी, ये तीनों आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद हैं। डेट के अंदर भी कई वैरायटी हैं जो हम इक्विटी फाइनेंस के चैप्टर में और डेट फाइनेंस के चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो कल हमने ये बात की थी कि अगर आप शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो उसे आपको रिटर्न देना पड़ेगा, अगर आप इससे पैसा लेते हैं तो इसे आपको रिटर्न देना पड़ेगा, अगर आप इससे पैसा लेते हैं तो इसे भी आपको रिटर्न देना पड़ेगा। ये सब फी सबीलिल्लाह आपको पैसा नहीं दे रहे, ये आपसे रिटर्न डिमांड करेंगे। जो रिटर्न आप इन्हें देंगे, मसलन आपने कहा जी हम आपको 15% रिटर्न देंगे, आपको 12% रिटर्न देंगे, आपको 10% रिटर्न देंगे, ये रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि आपको हर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग के लिए रिटर्न कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है वो कंपनी के लिए बनती है कॉस्ट ऑफ, इन्वेस्टर्स रिटर्न कंपनी
कंपनी के लिए बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो आपने रेस किया है, जो फंड आपने रेस किए हैं उस फंड के अगेंस्ट जो कुछ आप इन रिटर्न पे करने जा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक माइंड में जहन में चीज़ आती है कि कंपनी ना 100% इक्विटी पे काम करती है ना 100% डेट पे काम करती है, कंपनी मिक्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करती है। और वो जो मिक्स होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि हमने हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं 12% और हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ रही है 8%। तो अब मैं ये देखूंगा कि हमने जो फाइनेंसिंग रेस करनी है वो किस मिक्स के ऊपर रेस करनी है। तो मैंने एक मिक्स बनाया अपनी तरफ से और उस मिक्स में मैंने इक्विटी रखी 70%। इक्विटी तो ऑर्डिनरी शेयर्स को कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का वेटेज रखा 10% और डेट का वेटेज मैंने रखा 20%। यानी कि जो भी फंड में रेस करने जाऊंगा उसमें 70% ऑफ द फाइनेंसिंग ऑर्डिनरी शेयर्स की फॉर्म में होगी, 10% ऑफ द फाइनेंसिंग प्रेफरेंस की फॉर्म में होगी, रिमेनिंग 20% फाइनेंसिंग में डेट से रेस करूंगा। तो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? तो अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा वो एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा और उस एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको एग्जाम में गिवन नहीं मिलेगी, ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसका मिक्स दिया जाएगा या मिक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की पोजिशन में आ जाएंगे। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? इक्विटी की कॉस्ट है 15%, उसको आपने उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने प्रेफरेंस की कॉस्ट है 10%, उसके रिलेटिव वेट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डेट की कॉस्ट है 8%, उसके रिलेटिव वेट से आपने मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी 15% को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 70% से तो 10.5% आएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 10.5% आएगा। ये आई गेस 1% आएगा और ये आई गेस 1.6% आएगा। तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो आपके पास जो कैलकुलेटेड फिगर आएगी वो होगी 10.5 प्लस 1 प्लस 1.6, दैट इज 13.1%। एंड दिस इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बनती है 13.1%। इस तरह की फाइनेंसिंग जो आपने चूज की है, नाउ इट्स अप टू यू, या आप डिसाइड करेंगे कि फाइनेंसिंग मिक्स में आपको इक्विटी ज़्यादा रखनी है, डेट कम रखना है, डेट बढ़ाना है, इक्विटी कम रखनी है, प्रेफरेंस रखना है, नहीं रखना, यह आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, आपकी अपनी च्वाइस है। ठीक है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि एक रूल है और वो रूल ये है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, हायर इज द रिस्क, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न होगा, हायर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न। ये फिक्स्ड आप एक रूल याद रखें कि दुनिया में प्रिंसिपल चलता है कि जब भी इन्वेस्टर आपको पैसा देगा तो वो इवेल्यूएट करेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है। अगर वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट परचेस करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से ये होती है कि कंपनी उसे हाई रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करेगी। तो सबसे ज़्यादा जो हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, उसमें हाई रिस्क होता है, और डेट में कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है। प्रेफरेंस इन दोनों के बीच में कहीं लाए कर रहा होता है, मॉडरेट टू लो रिस्क के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, और ये कभी वायलेट नहीं हो सकता ये रूल, अनलेस कि इन्वेस्टर बेवकूफ हो, जो हम ये नहीं समझते कि इन्वेस्टर बेवकूफ है, इन्वेस्टर इज रैशनल, इन्वेस्टर अकलमंद है, समझदार है,
तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ज्यादा क्यों आएगी, क्योंकि शेयर होल्डर कभी भी कम रिटर्न पर एग्री नहीं करेगा। याद रहे ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर सकता है एक्सपेक्टेड के मुकाबले में, क्योंकि जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ना उस वक्त तो कंपनी उसको आसरा दे रही है कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, लेकिन अगर उसे लगता है कि कंपनी डेट में उसे 8% मिल रहा है सही है और प्रेफरेंस पे 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो वो कभी भी 12% पे एग्री नहीं करेगा, वो हमेशा 12% से 8% से ज़्यादा पे एग्री करेगा, अदरवाइज वो स्टॉक्स के अंदर शेयर्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाएगा। अच्छा हमारा जो डेस्टिनेशन है ना, हमारा डेस्टिनेशन है WACC कैलकुलेट करना, हमारा डेस्टिनेशन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना, लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आपको इंडिविजुअली हर कॉम्पोनेंट की सेपरेट कॉस्ट चाहिए, उसके बाद आपको एक सेपरेट मिक्स चाहिए और उस मिक्स के अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करेंगे कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो सकती है। ठीक है जी, सो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मैंने आपको आइडिया दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड तो वो अपना सवाल पूछ सकता है, फिर मैं आगे डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ। एनीवन एनी क्वेश्चन? और जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, हम सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा पहला टॉपिक है और आज भी हमारा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है सेशन है और बाकायदा कहानी हमारी अपने रेगुलर सेशन से स्टार्ट होगी। तो एनी क्वेश्चन, यस और नो? नहीं है तो फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लेट्स डिस्कस के कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं सब 15% रिटर्न दे रही होंगी, तो इसका आंसर है नो। ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ज़्यादा रिटर्न दे रही होती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो कम रिटर्न दे रही होती हैं रिलेटिव टू स्टॉक मार्केट। लेकिन एक बंदा अगर स्टॉक मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करता है तो अल्टीमेटली वो बंदा ये चाहेगा कि कम से कम मुझे स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उसके आगे पीछे कहीं रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क है अल्टीमेटली इन्वेस्टर की रिटर्न की रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली होगी। अगर आप उसे बैंक डिपॉजिट के बराबर रिटर्न देंगे तो क्या वो सेटिस्फाई होगा? वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कहेगा बैंक में मैं बहुत मिनिमम रिस्क लेकर भी 10% कमा रहा हूँ तो अगर कंपनी भी मुझे 10% देगी तो मैं 10% पे तो कभी एग्री नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दैट के टी बिल्स का रिटर्न आता है 5%, बैंक आपको देती है 10%, स्टॉक आपको दे रहा है 15%, तो अगर स्टॉक भी आपको 10% देना शुरू कर दे या स्टॉक भी आपको 5% देना शुरू कर दे तो क्या आप स्टॉक में पैसा लगाएंगे? आप कहेंगे भाई इतना रिस्क लेके मुझे 5% ही मिलना था, 10% ही मिलना था, तो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा क्यों नहीं लगाया, मैंने बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं किया, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के भी तो चांसेस होते हैं, अगर ये कंपनी डूब गई तो मुझे पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हाथ में आने वाला। तो इफ़ यू आर टेकिंग मोर रिस्क, आपकी रिटर्न की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी या शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम शेयर होल्डर से कोई कमिटमेंट ही नहीं कर रहे, ना उसे डिविडेंड देने की कोई कमिटमेंट हमने की हुई है, ना उसकी शेयर प्राइस में इंक्रीज लाने की कोई कमिटमेंट हमने की हुई है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा कमिटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी या शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए हमारे पास सिलेबस में मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, और सिलेबस में हमारे पास दो मॉडल्स हैं और जनरली यही दो मॉडल्स जो हैं वो एकेडमिक्स में या बुकिश नॉलेज अगर बात करें ये इस्तेमाल होते हैं। वन इज़ कॉल्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जिसको आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हैं, और दूसरा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM या CAPM, ये दो मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं
जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। और वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकालेंगे ना, वो एस्टिमेटेड होगा, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। याद रखें, कभी भी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकलेगा, क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक। क्योंकि आप इक्विटी का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अभी इनिशियली नहीं निकाल सकते, वो तो जब साल गुजरेगा, जब वो एक्चुअली उसको रिटर्न मिला होगा, तो वो कंपेयर करेगा कि जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो 15% था और बाद में हमने जो एक्चुअल रिटर्न दिया वो इस साल वो बना 25%। वो 10% भी हो सकता है, वो 25% भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है। इट डिपेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे आजकल COVID-19 चल रहा है, COVID-19 में पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है ना वो बैठ गई हैं, डिप्रेस्ड हो गई हैं इकोनॉमीज, मार्केट्स बैठी हुई हैं। लेकिन आप ये सोचें, आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लास ले रहे हैं, जूम ने इस COVID-19 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जूम का स्टॉक इज़ राइजिंग डे बाई डे। अभी भी जूम की लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, तो टाइम मैं भूल गया, लेकिन अभी जूम ने 60,000 न्यू यूज़र्स ऐड किए हैं अपने पास। तो COVID-19 जहाँ दूसरे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वहाँ COVID-19 ने जूम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और जूम उस बेसिस के ऊपर जिसने जूम के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, वो डे बाय डे जितना COVID-19 लंबा होता जाएगा, उतना ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जूम के अलावा भी तो प्लेटफॉर्म है, क्या वो प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है? तो वन ऑफ द थिंग बिहाइंड जूम इज़ कि जूम एक तो फ्री वर्जन देता है, ठीक है। दूसरा ये कि जूम इजी टू यूज़ है। दूसरे मॉडल्स में पढ़ाने वालों को भी प्रॉब्लम होती है, मीटिंग्स करने वालों को भी मसाइल होते हैं, जूम बहुत इजीली समझ में आ जाता है। जूम का फ्री वर्जन है, अगर आपको 1-to-1 मीटिंग करनी है, दो बंदों की मीटिंग करनी है, तो 40 मिनट्स की मीटिंग फ्री होती है। तो जूम इस वजह से सक्सेसफुल रहा, जूम कॉस्ट अफेक्टिव भी है, तो जूम ने मैदान मार लिया। जूम को कोई जानता भी नहीं था कि जूम एक ऐसा मॉडल है, लेकिन COVID-19 में जूम ने बहुत मज़े किए, बहुत माल बनाया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टॉपिक भी कनेक्टेड है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक जगह ये डिस्कशन होगी कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज क्यों होती है, किसी कंपनी की शेयर प्राइस डिक्रीज क्यों होती है। तो आप कहेंगे देर आर सो मेनी फैक्टर्स ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक्स को इंक्रीज करते हैं, स्टॉक्स को डिक्रीज करते हैं। तो शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो हम मॉडल को रेफर करते हैं कि मॉडल क्या बताते हैं, मॉडल कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पहला एक मॉडल है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और दूसरा हमारा मॉडल है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो मैं यूजुअली डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है क्या। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है, तो रिस्क को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। इसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है बिजनेस रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क, और दूसरा होता है फाइनेंस रिस्क। इस मॉडल के पीछे रिस्क की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसने भी डेवलप किया, उसने रिस्क को बेस बनाकर रिटर्न कैलकुलेट करने का मॉडल डेवलप किया, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी अफेक्टिव प्रैक्टिकल मॉडल, और इस बंदे को जिसका नाम था विलियम शार्प, जिसने ये मॉडल जो ना इंट्रोड्यूस करवाया था, विलियम शार्प को इस मॉडल डेवलप करने पर नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने इसके पीछे कितना जान मारी होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ा आसान है। इसकी एक इक्वेशन है सिंप्लीफाइड जो उसने बना के हमें दे दी, कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ, थोड़ी सी इसकी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के पीछे कहानी क्या है। तो जब हम ये बात करते हैं कि रिस्क होता है, तो रिस्क दो तरह का होता है, एक बिजनेस रिस्क होता है और एक फाइनेंस रिस्क होता है। अच्छा, बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है? बिजनेस रिस्क अराइज होने का एक सोर्स होता है सेल्स से रिलेटेड रिस्क, जिसको हम रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्क भी कह सकते हैं, और दूसरा सोर्स होता है कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की कॉस्ट का इंक्रीज होना, कंपनी की कॉस्ट का डिक्रीज होना, कंपनी के रेवेन्यू का इंक्रीज होना और कंपनी के रेवेन्यू का डिक्रीज होना। कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट,
जिस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है उसका ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाता है, जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट कम होती है, जिस इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट कम होती है उसका ऑपरेशनल रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से सेल्स रिस्क जो होता है वो आपके रेवेन्यू की वॉलेटिलिटी को शो करता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपकी जो कंपनी है तो आपकी सेल्स के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी जनरली मीन्स रिस्क। जितनी आपकी सेल्स वॉलेटाइल होगी ना, कभी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, कभी कम सेल्स हो रही हैं, कभी सीजनल नेचर की सेल्स हैं, उतना आपका बिजनेस रिस्क हाई होगा। तो बिजनेस रिस्क अल्टीमेटली रेफर करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल है, क्या आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो फ्लक्चुएट होता है। अब हम व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, इससे क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कंपनी का, तो आप कहते हैं सेल्स रेवेन्यू, सिंपली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, अगर कोई अदर इनकम थी तो वह ऐड कर दी, और ये आपके पास आ जाता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज PBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप इसमें से अपना इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट जो आपको देना होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास अल्टीमेटली हाथ में क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप इसमें से अपना टैक्स निकाल देते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट पे टैक्स बनता है, टैक्स निकालने के बाद आपके पास आंसर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ये अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है या ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड देना है वो इस प्रॉफिट पे बेस कर रहा होता है। अब आप देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कंपोनेंट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपोनेंट है, ये आपके ऑपरेशनल रिस्क या बिजनेस रिस्क को रेफर करते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। पहली चीज़ आ गई आपकी सेल्स की वॉलेटिलिटी, अगर आपकी सेल्स गिरेंगी, आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो आपके प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका प्रॉफिट भी गिर जाएगा। और दूसरी चीज़ आ गई आपकी कॉस्ट, जो कि यहाँ भी मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है, इन दोनों के अंदर आपकी कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है, तो आपकी रेवेन्यू का डिक्लाइन होना ये आपके लिए रिस्क है, रेवेन्यू का डिक्लाइन होना और आपकी कॉस्ट का इंक्रीज होना, दैट रेफर्स टू कि आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। नाउ यू कैन नेम कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट बहुत कम होती है, तो बिजनेस रिस्क वेरी करता है ना, बिजनेस रिस्क हर बिजनेस का हर इंडस्ट्री का सेम नहीं होता। अगर आप फार्मास्यूटिकल को कंपेयर करेंगे बैंक्स के साथ, दोनों कंपेरेबल नहीं है। अगर आप बैंक को ऑयल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी कंपेरेबल नहीं है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को कंपेयर करेंगे फॉर एग्जांपल केमिकल्स के साथ, रिटेल सेक्टर्स के साथ, तो वो भी कंपेरेबल नहीं है। तो ये बिजनेस रिस्क जो है, विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिस्क, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर और उस इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। एनी क्वेश्चन ऑन बिजनेस रिस्क टू स्पेसिफिक, अगर किसी को कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई सवाल माइंड में आता है बिजनेस रिस्क के ऊपर, अदरवाइज हम चलते हैं अपने दूसरे रिस्क की तरफ, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस रिस्क। अभी हम इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, बिजनेस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंस रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता लगता है कि वो रिस्की बिजनेस है या कम रिस्की बिजनेस है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, कि इन्वेस्टर जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो उसका रिस्क प्रोफाइल देखेगा, वो देखेगा कि मैं जहाँ पैसा लगाने जा रहा हूँ वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पोजीशन कैसी है, और ये देखने के बाद अल्टीमेटली वो ये देखेगा, मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, वो ये देखेगा कि अगर एक बिजनेस की इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या वो इंटरेस्ट देने के पोटेंशियल है उसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट दिया जाएगा PBIT में से। तो अगर PBIT आपका गिरेगा, PBIT का गिरना दैट मीन्स हाई ऑपरेशनल रिस्क। अगर PBIT गिरता है सो दैट मीन्स रिस्क इज़ हाई, और अगर PBIT बढ़ता है दैट मीन्स रिस्क इज़ लो। तो वो बेसिकली ये देखना चाह रहा है
कि कंपनी की एबिलिटी टू पे कितनी है, और अगर कंपनी की एबिलिटी टू पे बहुत अच्छी है तो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी अफोर्ड कर सकती है, और अगर एक कंपनी की एबिलिटी टू पे गिर रही है तो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंस रिस्क अराइज होता है आपकी डेट के साथ। जब आप डेट फाइनेंसिंग लेते हैं तो डेट के ऊपर आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट इज कंपलसरी। हम पहले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि इंटरेस्ट इज कंपलसरी वाइल डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। लेंडर आपसे डिमांड करेगा कि मुझे हर साल इंटरेस्ट दिया जाए, फेलियर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टूवर्ड्स द बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी। तो जितना ज़्यादा डेट फाइनेंस होगा आपका फाइनेंस रिस्क क्या होगा, फाइनेंस रिस्क हाई कब होता है, जब कंपनी का डेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक कंपनी डेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा करना चाहती है तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उसका, ऑब्वियसली बात है, जब डेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन कंपनी को अपनी औकात ज़रा देख लेनी चाहिए, औकात कहाँ से आ रही है, औकात आ रही है PBIT से। अगर PBIT उसका वीक है, अगर PBIT उसका गारंटीड नहीं है, अगर PBIT उसका डे बाई डे गिर रहा है, ये सिचुएशन आ रही है, तो ऐसी कंपनी को एडवाइस दी जाएगी कि भाई आप अपने ऊपर जुल्म ना करें और अपना डेट बर्डन कम करें ताकि आपको गारंटी पेमेंट ना देनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस ट्रैप के अंदर आ जाएं कि आपका PBIT जो है वो गिर रहा हो और आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट हो वो बढ़ रही हो, तो दिस इज़ आ डिज़ास्टर। ये अल्टीमेटली आपको ले जाएगा कहाँ पर, बैंकरप्सी की तरफ, और आपकी कंपनी आप डुबो देंगे। डायरेक्टर्स तो हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे, नुकसान किसका होगा, नुकसान तो फाइनेंस प्रोवाइडर्स का होगा ना, लेंडर को भी नुकसान हो सकता है और शेयर होल्डर को भी नुकसान हो सकता है। ये चेक करने के लिए सर्टेन रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक इसमें रेशो कैलकुलेट की जाती है गियरिंग रेशो, और दूसरी रेशो कैलकुलेट की जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल कंपनी के अंदर जो है वो फाइनेंशियल रिस्क कैसा है। ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी हम गियरिंग कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेशनल गियरिंग, फाइनेंशियल रिस्क के लिए फाइनेंशियल गियरिंग, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और फिर लेंडर या शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली हमें इस कंपनी को पैसा देना है, तो इसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो जब रिस्क बहुत ज़्यादा होगा तो उनकी डिमांड फॉर रेट ऑफ रिटर्न भी हाई हो जाएगी। सो ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें ज़रा ये फोकस करें, अगर इंटरेस्ट बढ़ आए तो अवेलेबल प्रॉफिट टू पे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अवेलेबल प्रॉफिट टू पे गिर जाएगा। जब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरेगा तो शेयर होल्डर के लिए तो ये बुरी खबर है ना कि कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिर गया। अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरेगा तो उसका मतलब क्या हो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट गिरने का मतलब होता है के लेस चांसेस ऑफ डिविडेंड, लेस डिविडेंड विल बी अवेलेबल। तो जब इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को ये पता होगा कि यार हमारा PBIT गिर गया, उसके बाद हमारा PAT गिर गया, तो वो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा रिस्की कंसिडर करेंगे, और रिस्क बढ़ेगा तो वो रेट ऑफ रिटर्न भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिमांड करेंगे। वो ऐसी कंपनी में पैसा ही नहीं लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो और उसका रेट ऑफ रिटर्न उस रिस्क को जस्टिफाई ना कर रहा। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, टोटल रिस्क की, कि रिस्क का एक कंपोनेंट होता है ऑपरेशनल रिस्क या बिजनेस रिस्क, और दूसरा कंपोनेंट होता है फाइनेंस रिस्क। क्यूमुलेटिवली अगर कहा जाए तो मैं आपको तीन सिचुएशन बना के देता हूँ। एक बिजनेस है जो एक हाई बिजनेस रिस्क में ऑपरेट कर रहा है, तो आइडियली उसका जो फाइनेंस रिस्क होना चाहिए वो लो होना चाहिए, वरना कंपनी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और अगर एक बिजनेस है जिसका बिजनेस रिस्क लो है, लो बिजनेस रिस्क, तो वो हाई फाइनेंस रिस्क अफोर्ड कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन ये दो सिचुएशन फीजिबल है। लेकिन अगर कोई ये तीसरी सिचुएशन बनाना चाहे कि हाई बिजनेस रिस्क जोन में है आप, और वहाँ पर डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी की डेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के मूड में, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो वेंटिलेटर पे चली जाएगी कंपनी, दिस इज़ अ डिज़ास्टर, कैन नॉट बी एडवाइज्ड, ये आप एडवाइज़ नहीं कर सकते। इससे कंपनी वल्नरेबल हो जाती है
और कंपनी डूबने के बहुत ज्यादा चांस होंगे, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टूवर्ड्स द बैंकरप्सी रिस्क। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उस पर आ जाते हैं दोबारा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक रिस्क बेस्ड मॉडल है। ये आपको ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कितना है और उस रिस्क के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न देना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका एक मॉडल की इक्वेशन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये इसकी मेन इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है कि ड्राइव कैसे हुआ। तो के ई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, चलें टू बी कंटिन्यूड। तो पहले मैं जरा वेरिएबल्स लिख दूं। के ई रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ रेफर्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर एम रेफर्स टू एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और अगर आपको डायरेक्टली मैं आर एम माइनस आर एफ का आंसर दे दूं तो ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम ओवर एंड अबव जो आपको मिल रहा है, दिस इज प्रीमियम। एंड बी इज बीटा फैक्टर ऑफ कंपनी। जिस कंपनी का आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं उस कंपनी का बीटा फैक्टर क्या है। अब जरा इन वेरिएबल्स को समझें, लेकिन पहले मैं जस्ट एक कुछ नंबर्स यहाँ पे डालता हूँ और आप जरा उस नंबर की मदद से देखें। फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 2%, आपका एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो आर एम माइनस आर एफ क्या हुआ, फॉर्मूला कहता है आर एम माइनस आर एफ, वो हो गया 8%। और बीटा फैक्टर मैं आपको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1.2। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2% ये आ गया, 8% को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये बनता है 9.6%। तो के ई इज बिकम 11.6%। तो जिस कंपनी का भी ये डेटा मैंने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम के ये पी एस ओ का डेटा, लेट्स एज्यूम कराची स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है और पी एस ओ का डेटा है, पाकिस्तान का डेटा है। तो मैंने इसके अंदर तीन चीज़ें इस्तेमाल की। आई यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 2%, ये कहाँ से आया। आई यूज एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, आपका सवाल होगा ये कहाँ से लेकर आ गए आप 10%, आपको कैसे पता लगा। और आई यूज अ टर्म दैट इज कॉल्ड बीटा 1.2, कि ये 1.2 कहाँ से आया। क्या हर कंपनी का बीटा 1.2 होता है, क्या पी एस ओ का बीटा 1.2 है, तो क्या शेल का बीटा 1.2 से ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, क्या हो सकता है। तो अभी आप इस वेरिएबल पे अगर फोकस करें तो आप देखें एक इन्वेस्टर जो के पी एस ओ में इन्वेस्ट करने जा रहा है वो सबसे मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको गारंटीड मिलेगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न टी बिल्स के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर उसको ये पैसा मिल रहा है बगैर रिस्क लिए। तो वो कंपनी से तो 2% से कम पे तो एग्री नहीं होगा ना, एटलीस्ट ज़्यादा ही मांगेगा। कितना ज़्यादा मांगेगा, वो मांगेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। ये जो पूरा ब्रेकेट है यहाँ पर दैट रेफर्स टू रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम क्या है ओवर एंड अबव। कम से कम 2% तो लेगा, लेकिन उस 2% से और ओवर एंड अबव क्या लेगा, आर एम माइनस आर एफ। और हमारी एग्जाम्पल में एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट का दिया हुआ है 10%। ये कैसे आता है इसको बाद में बात करेंगे। 10% मार्केट रिटर्न दे रही है ऑन एवरेज, तो 10% से आपने 2% माइनस किया, आपका बनता है प्रीमियम 8%। तो 2% में अगर मैं 8% ऐड कर दूँ तो ये रिटर्न बनता है 10%। लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा आ रहा है, 10% से ज़्यादा आ रहा है। क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर एवरेज मार्केट की बात की जाए तो एवरेज मार्केट आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, लेकिन आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका रिस्क एवरेज मार्केट के कंपैटिबल है, एवरेज मार्केट से ज़्यादा है या एवरेज मार्केट से कम है।
इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो कंपनी है उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो एवरेज मार्केट से ज़्यादा भी हो सकता है, एवरेज मार्केट के बराबर भी हो सकता है, और एवरेज मार्केट से नीचे भी आ सकता है। एग्जाम्पल और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रीमियम वही 8% और बीटा मैंने इसका कर दिया 0.8। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ कि जी ये है एंग्रो। अच्छा ये सब तुक्के मार रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता एंग्रो का एग्जैक्टली बीटा कितने, तुक्के लगा रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल। तो 2% यहाँ आया कम अज़ कम, 8 को अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6.4%। तो रिटर्न कितना हुआ टोटल 8.4%। अब आप देखें एंग्रो जो है वो आपको जो रिटर्न दे रहा है वो 10% से कम दे रहा है। क्यों कम दे रहा है? क्योंकि एंग्रो का जो बीटा है वो उस पीएसओ के बीटा से कम है, तो एंग्रो का रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और कंपनी है फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट के ये है के इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल 2% प्लस 10% माइनस 2% और इसका बीटा मैं रख देता हूँ 1। मार्केट का जो बीटा होता है वो 1 के बराबर होता है, तो मैंने उतना ही बीटा रख दिया जितना मार्केट का बीटा होता है। तो लेट्स सी इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर आएगा 2% प्लस 8% और के इज इक्वल टू 10%। इसका मतलब ये हुआ कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आपको उतना ही रिटर्न दे रही है जितना रिटर्न मार्केट दे रही है एवरेज बेसिस के ऊपर। अब ऐसा क्यों है? तो आप देखें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो तीनों सिचुएशन में सेम है, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी तीनों में सेम है। सो इट इज़ द बीटा फैक्टर दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिटर्न। पीएसओ का बीटा 1.2 था, एंग्रो का बीटा 0.8 मैंने एज्यूम किया और के इलेक्ट्रिक का बीटा मैंने 1 एज्यूम किया। तो बीटा फैक्टर चेंज होता है तो अल्टीमेटली कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है। अब ये बीटा किसको रिफ्लेक्ट करता है? बीटा रिफ्लेक्ट रिस्क ऑफ द कंपनी। कौन सा रिस्क? कंपनी का बिजनेस रिस्क और फाइनेंस रिस्क। कौन सा रिस्क? कंपनी का टोटल रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखें किसी कंपनी में बिजनेस रिस्क ज़्यादा होता है, किसी इंडस्ट्री में बिजनेस रिस्क कम होता है, किसी कंपनी में फाइनेंस रिस्क ज़्यादा होता है, किसी कंपनी में फाइनेंस रिस्क जो होता है वो कम होता है। मसलन एक एग्जांपल लेते हैं, पीएसओ को कंपेयर करते हैं शेल के साथ, दोनों एक ही इंडस्ट्री में ना, तो दोनों का बिजनेस रिस्क एज्यूम कर लूँ सेम होगा। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं बिजनेस रिस्क सेम। तो इक्विटी और डेट की अगर हम पोजीशन देखें तो पीएसओ ने 80% इक्विटी ली हुई है और 20% डेट रखा हुआ है। इसने 60% इक्विटी रखी हुई है और डेट रखा हुआ है 40%। तो दोनों का फाइनेंस रिस्क में ज़्यादा फाइनेंस रिस्क किसका हुआ? शेल का हाई फाइनेंस रिस्क होगा। तो जब शेल का हाई फाइनेंस रिस्क होगा तो बीटा जो होगा उसका हायर होगा एज कंपेयर टू पीएसओ, क्योंकि बीटा रिस्क रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। जितनी कंपनी रिस्की होती जाएगी उतना बीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रिस्क, रिस्क इंक्रीज होगा बीटा इंक्रीज होगा। अब रिस्क कौन सा? या तो ऑपरेशनल रिस्क बढ़ रहा होगा या फाइनेंस रिस्क इंक्रीज हो रहा होगा। बीटा की कहानी आगे बहुत लंबी चलने वाली है, तो बीटा को हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे कि बीटा जो है ना वो अल्टीमेटली क्या क्या शेप चेंज कर सकता है। लेकिन ये बीटा आएगा कहाँ से? हमें कैसे पता लगेगा कि पीएसओ का बीटा 1 है, 1.5 है, 0.8 है, 0.6 है, वट एवर इज दैट। तो हम कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीटा के तीन शेप हो सकते हैं। बीटा 1 से ज़्यादा हो सकता है, बीटा 1 के बराबर हो सकता है, और बीटा जो है वो 1 से कम हो सकता है। किसी भी कंपनी के बीटा के ये तीन शेप हो गए, सही है? अगर हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसका बीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्योंकि रिस्क फ्री एज्यूम की जाती है तो उसका बीटा जीरो एज्यूम किया जा सकता है। जिस कंपनी का बीटा 1 से ज़्यादा होगा, सही है, तो वो मार्केट से ज़्यादा रिस्क की कंपनी होगी। मोर रिस्क एज कंपेयर टू
स्टॉक मार्केट, एवरेज स्टॉक मार्केट, तो वो रिटर्न भी ज्यादा देगी, सही है? जिसका बीटा वन होगा उसका मार्केट के मुकाबले में सेम रिस्क होगा, इक्वल रिस्क, सेम रिस्क, जितना मार्केट में रिस्क है एवरेज मार्केट के अंदर उतना उस कंपनी में रिस्क है, और जिसका बीटा वन से कम होगा लेस रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट। तो जो जो अल्टीमेट काम इस मॉडल ने किया है ना, वो जिंदगी आसान ये की है कि अगर आप किसी भी कंपनी का बीटा कैलकुलेट कर लें तो उस कंपनी के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे आप पहुंच सकते हैं कि शेयर होल्डर उस कंपनी से कितना रिटर्न डिमांड करेगा। जैसे जैसे कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर रिस्क बढ़ाएगी कंपनी तो शेयर होल्डर कहेगा मुझे ज़्यादा रिटर्न दो, अगर कंपनी रिस्क गिराएगी तो शेयर होल्डर कहेगा मुझे कम रिटर्न दो। जस्टिफिकेशन जो है वो है हायर इज द रिस्क मोर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न। अब ये बीटा आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको गिवन होता है एग्जाम में, लेकिन ये बीटा अल्टीमेटली आता कहाँ से? तो बीटा अल्टीमेटली हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा आप किस क्या लेते हैं? कंपनी का रिटर्न, उसको आप कंपेयर करते हैं एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न से, उसके दरमियान आप कोरिलेशन निकालते हैं। आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ी होगी या सेपरेट पढ़ा होगा, इसके दरमियान हम क्या निकालते हैं? इसके दरमियान हम कोरिलेशन निकालते हैं, और ये जो कोरिलेशन निकलती है ये कोरिलेशन आपको ये बताती है कि बीटा जो है वो रिलेशनशिप जो है ये आपको ये बताता है कि बीटा जो है वो ये आएगा रिस्क की कंपनी ज़्यादा है। मसलन अगर लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर मार्केट ऊपर जा रही थी तो क्या कंपनी भी मार्केट को फॉलो कर रही थी? अगर मार्केट ऊपर जा रही थी 10% से तो क्या कंपनी भी 10% से ऊपर जा रही थी, या कंपनी 15% से ऊपर जा रही थी? और मार्केट अगर गिर रही थी, सही है, तो कोरिलेशन ज़रूरी नहीं है, ऑल्टरनेटिवली ये कोवेरियंस के जरिए भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ये डिस्कशन हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है कि कोरिलेशन से बीटा निकाल के दो या कोवेरियंस से बीटा निकाल के दो। ये आपको गिवन मिलेगा, मैंने आइडिया दिया आपको कि इस मॉडल के अंदर जो बीटा कैलकुलेट किया जाता है वो हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया जाता है, और एज्यूम कर लिया जाता है कि यही रिस्क आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, विच इज़ वन ऑफ द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल, कि बीटा हिस्टोरिकल डेटा से क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन में काउंट किया जाता है। तो बीटा की स्टेजेस आपने देख ली, बीटा क्या क्या वैल्यू रखता है इस मॉडल के अंदर, जो वेरिएबल्स आ गए उन वेरिएबल्स को मैंने बता दिया कि तीन वेरिएबल्स पे ये मॉडल बेस कर रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और कंपनी का बीटा फैक्टर। तो अगर आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कहलाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोले तो टी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 100% तो ये भी रिस्क फ्री नहीं होते, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये रिस्क फ्री है। दूसरा जो कॉम्पोनेंट है वो है RM, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ये भी कुछ पुराने, थोड़ा सा इंटरनेट की डिस्टर्बेंस हुई, वन मिनट, लेट मी जस्ट रीकनेक्ट। हाँ जी, तो बीटा फैक्टर है वो अल्टीमेटली आपके रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस, इसको रिफ्लेक्ट। अच्छा, जो भी मॉडल बनाया जाता है उस मॉडल के पीछे मॉडल बनाने वाला कुछ अजम्पशंस लेकर काम कर रहा है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के पीछे भी कुछ अजम्पशंस हैं। वन ऑफ द अजम्पशन जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ने ली हुई है, बड़ी काम की अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। वन ऑफ द अजम्पशन बता रहा हूँ, इन्वेस्टर के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना। अब कोई ये बताएगा आप लोगों में से जिसकी नॉलेज में हो कि ये पोर्टफोलियो क्या है? तो मैं आपको फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। एनीवन, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? सर, आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ स्टॉक में की हुई है, तो उसका फायदा क्या होता है? कंपनी स्टॉक में की
तो उससे ये था कि कोई कंपनी का रिटर्न जो है उसमें रिस्क कम होता है, किसी में रिस्क ज्यादा होता है, तो आप रिस्क को मैनेज कर लेते हैं उससे। ठीक है, तो रिस्क जीरो तो नहीं हो जाता? जीरो तो नहीं होता लेकिन कम हो जाए, मिटिगेट कर लेते हैं। मिटिगेट कर लेते हैं क्या? इन्वेस्टर को, हर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक्स में? जरूरी नहीं है कि हर एक कर रहा हो। अच्छा, करना चाहिए? करना चाहिए। और एक शख्स कहता, नहीं मैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में हूँ, मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी के इलेक्ट्रिक में लगा दी, आप उसे रोकेंगे? सर देखिए, एडवाइज करने का मतलब अगर आपका वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उसी का ही है जिसकी जिसका पैसा है। सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो चल बात की बात है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में जो बीटा यूज होता है उसके पीछे ये अजम्पशन बिल्ट इन है, ठीक है? क्या अजम्पशन है? कि जिस इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उस इन्वेस्टर ने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ, इसका मतलब है उसने मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया हुआ, ठीक है? एम आई राइट? कितनी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जिससे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए? सर ये डिपेंड करता है आपके पर, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं आपसे मैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कितनी कंपनीज में डालूं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट? अरे 20% डिवाइड करना चाहिए, 20% मैक्सिमम, आप 20% ज्यादा नहीं दे किसी 20 5 में लगा दूं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए? आई थिंक अच्छा 20 बैंक, 5 बैंक में लगा दूं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा? 20 PSO में, 20 HBL में, 20 MCB में, 20 नहीं, बिकॉज़ वो एक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्री भी डिफरेंट बट डाइवर्सिफाइड। अच्छा चलें, 50% पैसा बैंक में डाल देता हूं, 50% ऑयल में डाल देता हूं, सही रहेगा? अगेन ये बिल्कुल डाइवर्सिफाइड नहीं है आपका, मतलब जो 20% I think आप 20% इंडस्ट्री पे। अच्छा एकेडमिक्स ये कहती है, एकेडमिक्स क्या कहती है? एकेडमिक्स ये कहती है 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे ना तो आपका एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, फुल्ली डाइवर्सिफाइड ना, गारंटी तो 100% वो भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे, इसमें 25 हर इंडस्ट्री की नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ, जैसे ऑयल में आपने 2 कंपनियाँ ले ली, बैंक में 3 कंपनियाँ उठा ली, लेकिन 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ अगर आपकी हों और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रही हैं तो हम कहेंगे कि आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखा होगा। ये तो बात हो गई डाइवर्सिफाइड प्लस कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, कॉम्प्लेक्स तो आप उसको बनाना नहीं चाह रहे ना, आप उसमें डेफिनेशन वेरी करती है ना, लेकिन एकेडमिक्स ये कहती है कि 25 डिफरेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए, तब जाके जो ऑब्जेक्टिव है ना पोर्टफोलियो बनाने का, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, बताता हूँ थोड़ी देर में, वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा वरना। सर अगर जिस कंपनी में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उस कंपनी ने आगे मल्टीपल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो जाएगा कंपनी? देखो एक बात तो ये आर्ग्यूमेंट ही होता है कि हमने एक ऐसे ग्रुप में पैसा डाला है जो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, तो क्या अब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए? ये एक अलग सवाल है, ठीक है, एक अलग डिबेट है। मैं अब इस पर डिफरेंट इंडिविजुअल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, सही जी? ठीक, अच्छा जी, तो हम अभी इसकी इम्प्लीकेशन पे बात करते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर कोई बना लेता है ना तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखें, इस मॉडल के अंदर इन्होंने कहा है कि जी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, और एक होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क रादर। अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो मार्केट स्पेसिफिक है, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। इसको हम कहते हैं नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, और इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असम्पशन है जो इसने ली है। अब ये समझेंगे, ये
सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। देखें, जब आप किसी अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं ना, जो कि कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, तो उसकी एग्जांपल मैं लेता हूं कि PSO का जो CEO था उसने रिज़ाइन कर दिया, क्या इससे किसी और कंपनी को फ़र्क पड़ेगा? जैसे PSO को फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, PSO के CEO ने रिज़ाइन किया तो जो भी प्रॉब्लम आनी है PSO के साथ आनी है, इसका इम्पैक्ट हबीब बैंक के ऊपर तो नहीं आना ना, ऑब्वियसली बात है, सही। एक कंपनी का कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक हो गया, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, सही। एक कंपनी का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ये सारे रिस्क क्या हैं? ये सारे रिस्क कहलाते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। एक कंपनी का एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो गया, एक कंपनी पे USA में बैन लगा दिया, PIA पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो PIA को नुकसान होगा ना डायरेक्टली, किसी और कंपनी को तो डायरेक्टली नुकसान नहीं होगा। तो वो रिस्क जो किसी एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को हिट करते हैं, ऑयल प्राइस ऑल टाइम हाई चली गई, क्या बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली नुकसान होगा? हम कहेंगे कि ऑयल सेक्टर को डायरेक्टली नुकसान होगा और इनडायरेक्टली उसके साथ जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान होगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली हिट नहीं पड़ने वाली, इनडायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्री को हिट पड़ सकती है। तो या तो एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ठीक है। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो डाइवर्सिफाइबल नहीं होते, मसलन फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट का हाई होना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, टैक्स रेट्स का बढ़ जाना, एक्सचेंज रेट का डेप्रिशिएट हो जाना, ये कौन से रिस्क हैं? ये वो रिस्क हैं जो सबके ऊपर अफेक्ट करते हैं, किसी पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, किसी पे कम करते हैं, लेकिन पूरी मार्केट को हिट कर रहे होते हैं। और वो जो रिस्क मैंने बताया साइड में, वो ये वो रिस्क हैं जो किसी कंपनी को हिट कर रहे होते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ने जब ये अजम्पशन ली कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो पोर्टफोलियो की इम्प्लीकेशन क्या हुई? पोर्टफोलियो बनाकर हमने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया? हमारा जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे हम क्या करने में कामयाब हो जाएंगे? हम अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, कंप्लीटली डाइवर्सिफाई कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइवर्सिफाइबल रिस्क। कैसे होगा भाई ये डाइवर्सिफाई, कैसे खत्म होगा रिस्क? तो अगर मेरे पास 25 डिफरेंट कंपनीज में, चले 25 कर लें, 20 कर लें, व्हाटएवर जो भी है, अगर पैसा लगा हुआ होगा, तो एक तरफ PSO को नुकसान हो रहा होगा, एंग्रो को फायदा हो रहा होगा, यूनिलीवर को फायदा हो रहा होगा, के इलेक्ट्रिक नुकसान में जा रही होगी, तो वो मिटिगेशन हो रही होगी ना, नेट ऑफ हो रहा होगा। और हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, कि जितना भी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा वो 100% नेट ऑफ होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाकी कौन सा रिस्क बचा? क्या सिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो सकता है? अगर आप स्टॉक मार्केट की तमाम कंपनीज में भी पैसा लगा देना, तो थ्योरेटिकली आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा, हल्का बुल्का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह, सिस्टमेटिक रिस्क एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में अपनी जगह मौजूद रहेगा। आप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, 75 कंपनीज में पैसा लगाएं, 150 कंपनीज में पैसा लगाएं, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की अजम्पशन को अगर लिया जाए, तो इस अजम्पशन की इम्प्लीकेशन क्या होगी, कि जो आपका बीटा फैक्टर है ये रिस्क को तो शो कर रहा है, कौन से रिस्क को शो कर रहा है? बीटा फैक्टर इज रिफ्लेक्टिंग ओनली विच टाइप ऑफ रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क, बिकॉज अनसिस्टमेटिक कहाँ गए? टोटल रिस्क के तो दो कॉम्पोनेंट्स थे, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक, तो अनसिस्टमेटिक कहाँ गया? तो इसने अजम्पशन ले ली, एज्यूम कर लिया कि हर इन्वेस्टर समझदार है, पोर्टफोलियो बनाता है, सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं बनाता, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करता है। सो आइंदा जब भी हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन से कुछ ड्राइव करने जाएंगे, तो उसके पीछे बिल्ट इन अजम्पशन क्या है, कि हम सिस्टमेटिक रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, हम उसके अनसिस्टमेटिक रिस्क कॉम्पोनेंट के अगेंस्ट रिटर्न डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये है अल्टीमेटली उस इक्वेशन के तीनों वेरिएबल्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग। जी कोई सवाल है तो बोलें, इस पॉइंट पे कोई सवाल है तो बोलें।